नमस्कार दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है मृदा संरचना। जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था मृदा निर्माण एवं मृदा गठन, जिसे अपन मृदा कणाकार भी बोलते हैं। अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। तो मृदा संरचना क्या है, व्यक्तिगत कणों और उनके समुच्चय कि निश्चित प्रतिरूप में व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। व्यक्तिगत कणों और उनके समुच्चय, समुच्चय मतलब एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का अर्थ होता है कि जैसे प्राकृतिक पुंज जो होता है, नेचुरल जो होता है, नेचुरल जो एक्सेस होता है उसे तो क्या कहते हैं अपन, पैड्स कहते हैं, और जो कृत्रिम है उसे क्या कहते हैं, क्लॉड जो ढेला कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक पुंज तो क्या होता है, पैड्स, और दूसरा जो कृत्रिम है उसे क्या कहते हैं, ढेला, क्लोड कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा संरचना, जो मृदा है, मृदा दो प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। मृदा दो प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। अब मृदा में दो प्रकार के कण कौन से हैं, एक तो प्राथमिक कण और दूसरा द्वितीय कण। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से मृदा के प्राथमिक कण हैं, निम्न में से मृदा के द्वितीय कण हैं, तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, अच्छे से सुनना। मृदा में प्राथमिक कण हैं वो कौन से हैं, बालू, सिल्ट और क्ले। मृदा में प्राथमिक कण, मृदा दो प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। जो प्राथमिक कण तो क्या है, जैसे बालू, सिल्ट और क्ले, मृत्तिका जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द्वितीय कण। अब जो प्राथमिक कण है वो तो सैंड, सिल्ट, क्ले हैं। अब द्वितीय कण किसे कहते हैं, मृदा में प्राथमिक कणों के पारस्परिक संयोग से जो कण बनते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कण कहते हैं। प्राथमिक कणों के पारस्परिक संयोग से जो कण बनते हैं उसे द्वितीय कण कहते हैं। तो यहाँ देखो, प्राथमिक कण में बालू, सिल्ट, क्ले, और द्वितीय कण जो प्राथमिक कणों के पारस्परिक संयोग से बनते हैं, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ बात करेंगे अपन द्वितीय कणों में। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे जो मृदा में ये कई प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, मृदा में ये कण कई प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, मृदा में ये कण कई प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे प्राकृतिक पुंज पैड्स कहलाता है, जैसे प्राकृतिक पुंज पैड्स कहलाता है, और द्वितीयक पुंज ढेला कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल एग्रीगेट्स देयर आर टू टाइप्स, प्राकृतिक जो है नेचुरल, और जो दूसरा है नेचुरल एक्सिस है वो पैड्स कहलाता है, और जो आर्टिफिशियल है वो ढेला, क्लोड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मृदा संरचना, चार प्रकार की होती है। अब चार प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें पहले बात करेंगे कि प्लेटी, नंबर दो प्रिज्मीय, नंबर तीन ब्लॉकी, और नंबर चार गोलाकार। प्लेटी, प्रिज्मीय, ब्लॉकी और गोलाकार, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भाई जो मृदा संरचना, मृदा खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी है। तो खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी है, गोलाकार संरचना। तो अपन यहाँ पे अभी डिटेल से बात करेंगे। अब देखो, यहाँ सबसे पहले अपन ने मृदा संरचना पढ़ा, तो मृदा संरचना में व्यक्तिगत कणों और उनके पारस्परिक संयोग, जो मतलब उनके समुच्चयों के निश्चित प्रतिरूप जो इकाइयाँ बनती हैं, प्रतिरूप जो व्यवस्थित जो पैटर्न बनता है उसे तो क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। और मृदा संरचना कई प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, जो कई प्रकार के कण, जो प्राथमिक और द्वितीय कण होते हैं। प्राथमिक कण में जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, और उनके पारस्परिक संयोग से, प्राथमिक कणों के जो पारस्परिक संयोग से जो कण बनते हैं उसे द्वितीय कण कहते हैं। अब द्वितीय कण बनने के बाद में क्या है, सोइल एग्रीगेट्स से भी क्वेश्चन आता है। जो नेचुरल है उसमें तो क्या आएगा, पैड्स, और जो आर्टिफिशियल है उसमें क्या आएगा, क्लोड, ढेला। देखो यहाँ कैसे याद करेंगे अपन, पैड्स तो क्या है, एक प्राकृतिक है, नेचुरल, प्रकृति की देन। अब क्लोड, ढेला, ढेला कौन बनता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। अपन खेत को जैसे जुताई करके खुला छोड़ दो, ढेला बन जाएगा। फिर उसमें जैसे अपन सिंचाई जल देके पाटा लगा दो तो वो प्लेन हो जाएगा। तो किसके द्वारा हुआ, मानव द्वारा निर्मित, और मानव द्वारा निर्मित है तो उसे क्या कहेंगे, ढेला। तो निर्माण कौन कर रहा है ढेला का, क्लोड का निर्माण कौन कर रहा है, मानव कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम पुंज कहेंगे। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, भाई ढेला कौन बना रहा है, मानव द्वारा निर्मित हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम पुंज कहेंगे। फिर उसके बाद में संरचना में जो प्लेटी, प्रिज्म, ब्लॉकी और गोलाकार की बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं जो नेक्स्ट बात है, नंबर एक प्लेटी संरचना की। हाँ तो दोस्तों, अपन मृदा संरचना में नंबर एक बात करेंगे प्लेटी संरचना की। प्लेटी संरचना क्या है, उसमें कण पुंजों का आकार कितना होता है, और इसकी क्या विशेषता है। तो प्लेटी संरचना, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्लेटी संरचना होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखो, प्लेटी संरचना का जो आकार होता है वो चपटा होता है।
इसमें क्या होता है प्लेटी संरचना में, ये तो क्या है हॉरिजेंटल भाग, क्या है हॉरिजेंटल भाग, और ये क्या है वर्टिकल, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं हॉरिजेंटल को तो क्या बोलते हैं क्षैतिज, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधरअक्ष। तो यहाँ सबसे पहले विशेषता में बात करेंगे कि प्लेटी संरचना में, प्लेटी संरचना में क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित होता है, ये तो कम विकसित है लेकिन क्षैतिज अक्ष अधिक फैला हुआ है, मतलब हॉरिजेंटल का अर्थ होता है फैला हुआ, तो ये चपटा है फैला हुआ है, और इसमें जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा कम विकसित होता है, मतलब फैला हुआ कम है, वर्टिकल जो क्षैतिज अक्ष है वो सॉरी ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो कम फैला हुआ है, और जो हॉरिजेंटल है जो क्षैतिज अक्ष है वो अधिक विकसित है, किसकी अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित है। यहाँ पे बात करेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष तो क्या है कम फैला हुआ है, और जो क्षैतिज अक्ष है वो अधिक विकसित है, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल फैला हुआ है, और जो वर्टिकल है वो कम फैला हुआ है, तो ये तो बात होगी, इसलिए ये चपटी संरचना बन रही है। यहाँ बात करेंगे कि इसमें कणपुंजों का जो आकार होता है 1 से 10 mm होता है, इसमें कणपुंजों का आकार 1 से 10 mm होता है, 1 से 10 mm, और ये संरचना ए संस्तर का भाग है, ए संस्तर में पाई जाती है, ए संस्तर का भाग है, और इसकी संरचना चपटी होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सी संरचना बनाती है, इसलिए इसे स्त्रीय स्त्रीय संरचना भी कहते हैं, प्लेटी संरचना को स्त्रीय संरचना भी कहते हैं, ये स्त्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये चपटी हुई है तो चपटी मतलब संरचना स्त्रीय बना रही है, लेमिनार संरचना बना रही है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, प्लेटी संरचना कौन सी संरचना का निर्माण कर रही है, तो स्त्रीय संरचना का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट नंबर दो बात करेंगे प्रिज्मीय, तो प्रिज्मीय में दोस्तों देखो इसकी संरचना विशेषता की बात कर लेंगे, तो विशेषता कैसी बनती है और क्या विशेषता है, क्या संरचना बना रही है, यह आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अभी अपन ने बात किया कि वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस तो कम विकसित था किसमें प्लेटी संरचना में, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस अधिक विकसित है, किसकी अपेक्षा हॉरिजेंटल की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, मतलब खड़ा खंभनुमा स्तंभाकार है, खंभनुमा खड़ा है, खंभा जो होता है खड़ा होता है लंबा, इसलिए इसे खंभनुमा या स्तंभाकार संरचना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए इसे स्तंभाकार या खंभनुमा संरचना भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्रिज्मीय संरचना को खंभनुमा या खंभनुमा या स्तंभाकार संरचना भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कणपुंजों का जो आकार होता है 1 से 10 mm, तो इसमें प्लेटिनम में था, और यहाँ पे प्रिज्मीय की बात करेंगे तो 10 से 100 mm होता है, इसमें कणपुंजों का आकार 10 से 100 mm होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे, जो बात कर रहे थे अपने प्लेटी संरचना की, तो प्लेटी संरचना तो ए संस्तर का भाग है, लेकिन प्रिज्मीय संरचना बी संस्तर का भाग है, और ये शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 ब्लॉकी संरचना, तो ब्लॉकी संरचना क्या होती है, ये भी गोलाकार की तरह ही है मिलीजुली, तो ये ब्लॉकी संरचना क्या होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है समान होती है। यहाँ तो देखो कोई हॉरिजेंटल अधिक विकसित था या वर्टिकल अधिक विकसित था ऐसी बातें करें, लेकिन यहाँ ब्लॉक की संरचना में क्या करें, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है तीनों समान होती है। इसमें कणपुंजों का आकार 5 से 50 mm होता है, प्लेटी संरचना में 1 से 10 mm था, प्रिज्मीय संरचना में 10 से 100 mm था, और ब्लॉक की संरचना में 5 से 50 mm है। नेक्स्ट बात करेंगे, यह बी संस्तर का भाग है और अवमर्दाओं में, ये बी संस्तर का भाग है और अवमर्दाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लॉकी है तो इसे नटनुमा संरचना भी कहा गया है, ब्लॉकी संरचना को नटनुमा संरचना भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्लॉकी संरचना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है तीनों समान होती है। ठीक है, और लास्ट बात करेंगे अपन गोलाकार, तो गोलाकार संरचना भी ब्लॉकी संरचना की तरह है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर समान होती है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि कणपुंजों का आकार क्या होता है 1 से 10 mm, जो प्लेटी संरचना में भी 1 से 10 mm ही था। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये ए संस्तर में पाई जाती है, गोलाकार जो संरचना है वो कौन से संस्तर में पाई जाती है, ए संस्तर में पाई जाती है।
नेक्स्ट बात करेंगे कि खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त संरचना है तो वो कौन सी है, गोलाकार। लेकिन दोस्तों अपने एग्जाम में कभी भी गोलाकार संरचना नहीं आता, गोलाकार संरचना को अपन और क्या कहते हैं, क्रम्बी संरचना। क्या कहते हैं, क्रम्बी संरचना कहते हैं, क्रम्बी संरचना। तो खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त संरचना है वो कौन सी है, क्रम्बी संरचना। यहाँ से जो क्वेश्चन होगा यही आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त संरचना है तो वो कौन सी होगी, क्रम्बी संरचना। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे ये खेती की दृष्टि से उपयुक्त क्यों है गोलाकार संरचना, इसकी बात करते हैं। क्योंकि इसमें जो पोर स्पेस होते हैं रंध्राकाश बड़े होते हैं और इसमें वायु संचार, जल संचार जो होता है या वाटर एब्जॉर्ब जो कंडीशन होती है, कैपेसिटी होती है, वो इसमें क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त संरचना है। तो दोस्तों ये आपके सामने मर्दा संरचना का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, प्लेटी संरचना, प्रिज्मीय संरचना, ब्लॉकी संरचना और गोलाकार संरचना। प्लेटी संरचना में कणपुंजों का आकार होता है 1 से 10 mm होता है, प्रिज्मीय में 10 से 100 mm होता है, ब्लॉकी में 5 से 50 mm होता है और गोलाकार में 1 से 10 mm होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि प्लेटी संरचना और गोलाकार संरचना तो ए संस्तर में पाई जाती है और जो प्रिज्मीय और ब्लॉकी संरचना है वो कौन से संस्तर में, बी संस्तर में पाई जाती है। ठीक है, प्लेटी संरचना का जो होता है संरचना स्तरीय संरचना का निर्माण करती है, प्रिज्मीय संरचना खंभनुमा या स्तंभाकार संरचना का निर्माण करती है और ब्लॉकी संरचना नटनुमा संरचना का निर्माण करती है। और खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जो संरचना है वो क्रम्बी, जिसे गोलाकार संरचना भी कहते हैं। तो खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मर्दा संरचना है वो क्रम्बी संरचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि मर्दा संरचना का निर्माण कैसे होता है, तो नेक्स्ट बात करेंगे मर्दा संरचना का निर्माण कैसे होता है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे कि मर्दा संरचना का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मर्दा संरचना में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्राथमिक और द्वितीयक कण मिलते हैं ना, तो उनके पारस्परिक संयोग से द्वितीयक कण मिलते हैं और मर्दा संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ यही निर्माण की बात कर रहे हैं, तो बालू सिल्ट और क्ले ये तो क्या थे, प्राथमिक कण, और प्राथमिक कणों के पारस्परिक संयोग से कौन से कण बन रहे थे, द्वितीयक कण, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, मर्दा संरचना। तो मर्दा संरचना का निर्माण कैसे होता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक कण मिलकर क्या करते हैं, मर्दा संरचना का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे ये एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से पढ़ना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं मर्दा कोलाइड्स, मर्दा कोलाइड्स होते हैं ना टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बनिक पदार्थ, ये सब मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, कणपुंजों का निर्माण कर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कणपुंजों का निर्माण कैसे होता है, तो कणपुंजों का निर्माण मर्दा कोलाइड्स आयरन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बनिक पदार्थ, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, कणपुंज बना रहे हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कणपुंजों का जैसे एक बार और क्वेश्चन के कई बार आ जाता है कि ससंजन और आसंजन, आसंजन और ससंजन प्लस मर्दा कोलाइड्स, ये मिलके भी क्या बनाते हैं, कणपुंजों का निर्माण करते हैं या कणपुंज बनाते हैं। ससंजन या आसंजन प्लस मर्दा कोलाइड्स, ये मिलके भी क्या बनाते हैं, कणपुंज बनाते हैं या कणपुंजों का निर्माण करते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं ससंजन और आसंजन क्या है, ससंजन और आसंजन क्या होता है। जैसे आसंजन की बात करें कि असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन बल कहलाता है। असमान अणु, असमान अणु जैसे मर्दा प्लस जल, ये असमान अणु है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसे क्या कहेंगे, आसंजन। और ससंजन में समान, स में स आ रहा है ससंजन, तो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजन बल कहलाता है। जैसे मर्दा प्लस मर्दा या जल प्लस जल, तो ये समान अणु है, तो इनके मध्य जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, ससंजन। अब दोस्तों ससंजन और आसंजन आप पढ़ोगे, डेफिनेटली पढ़ोगे, सब पढ़ते हो, लेकिन बात करेंगे वहां क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में कंफ्यूज को दूर कैसे करना है, तो आसंजन में ए आ रहा है, आसंजन में क्या आ रहा है, ए, तो यहां पे असमान, जैसे असमान अणुओं के मध्य, तो ए आ रहा है, कॉमन बात होगी, तो ऐसे ए अटैच कर देना, ऐसे ए, असमान तो आसंजन, सैसे ससंजन हो गया और सैसे समान हो गया, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है, और ऐसे ए तो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन बल कहलाता है। तो दोस्तों ये ससंजन और असंजन जो बात है, आसंजन और ससंजन बल की बात कर रहे थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे भी पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक है अपने नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मर्दा संरचना का निर्माण कैसे होता है ये आप लोगों के सामने है। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मर्दा घनत्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मर्दा घनत्व है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है मर्दा घनत्व है।
हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे डेंसिटी ऑफ सॉइल की, मृदा घनत्व है। तो मृदा घनत्व क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या है? तो किसी वस्तु का घनत्व इकाई आयतन, किसी वस्तु का घनत्व इकाई आयतन की मात्रा को मृदा घनत्व कहते हैं। बात करें तो भाई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे मात्रा मास बटावा वॉल्यूम, तो यूनिट, इसकी यूनिट क्या है? तो इस डेंसिटी ऑफ सॉइल की यूनिट क्या है? ग्राम पर घन सेमी, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी इकाई है, यूनिट है। तो किसी वस्तु का घनत्व इकाई आयतन की मात्रा को मृदा घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा भी बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मृदा घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो मृदा घनत्व पिकनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मृदा घनत्व पिकनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और मृदा घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, कौन कौन सा? कण घनत्व और नंबर दो दूसरा कौन सा आएगा? स्थूल घनत्व, जिसे कण घनत्व को अपन पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, और दूसरा है जो स्थूल घनत्व उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक बात करेंगे अपन कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी क्या है? मृदा के ठोस भाग प्रति इकाई आयतन को मृदा कण घनत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्टिकल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, कणों का वजन बटा कणों का आयतन, मास बटा वॉल्यूम, इसका क्या है फॉर्मूला है कण घनत्व का। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कण घनत्व को अपन वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व भी कहते हैं, कण घनत्व को अपन वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व भी कहते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साधारण मृदा का कण घनत्व होता है या साधारण मृदा का स्थूल घनत्व होता है, तो साधारण मृदा का जो कण घनत्व होता है वो 2.65 ग्राम पर सीसी या 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। साधारण मृदा का जो कण घनत्व होता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर सीसी, मतलब पर ग्राम, पर ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे, अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे तो कण घनत्व कम होगा या ज़्यादा? कम होगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाएं तो मृदा में कण घनत्व कम हो जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि बालू मृदा का कण घनत्व क्ले की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। बालू मृदा का कण घनत्व क्ले की अपेक्षा कम होता है। जैसे बालू मृदा जो होती है सैंड का तो होगा 2.6, जो बालू मृदा के बाद सिल्ट होगी उसका 2.7 और क्ले मृदा का 2.8 होता है। तो क्ले मृदा की अपेक्षा बालू मृदा का कण घनत्व क्या होगा? कम होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल में मृदा घनत्व क्या है? किसी भी वस्तु का घनत्व इकाई आयतन की मात्रा को मृदा घनत्व कहते हैं। मृदा घनत्व को पिकनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है, जिसमें कण घनत्व और दूसरा स्थूल घनत्व है। कण घनत्व में जो सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है वो 2.65 ग्राम पर सीसी होता है। और कण घनत्व किसे कहते हैं? कि किसी भी वस्तु का ठोस भाग, मृदा के ठोस भाग के प्रति इकाई आयतन को, ठोस भाग के प्रति इकाई आयतन को कण घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा? कण घनत्व कम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि बालू मृदा की अपेक्षा क्ले मृदा का कण घनत्व अधिक होता है या क्ले मृदा की अपेक्षा बालू मृदा का कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नंबर दो कौन सा आएगा? स्थूल घनत्व। यहाँ पे कण घनत्व की बात कर रहे थे तो कण घनत्व को अपन वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व भी कहते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन नंबर दो है वो कौन सा आएगा? स्थूल घनत्व, जिसे अपन बल्क डेंसिटी भी कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे स्थूल घनत्व की, बल्क डेंसिटी की। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है? कि मृदा के इकाई आयतन का रंध्राव का सहित शुष्क भार को स्थूल घनत्व कहते हैं। शुष्क भार को, ओवन ड्राई शुष्क भार को क्या कहते हैं? स्थूल घनत्व। और ठोस भाग को क्या कहेंगे? कण घनत्व कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो साधारण मृदा का कण घनत्व था वो तो 2.65 ग्राम पर सीसी था, और स्थूल मृदा का जो घनत्व है, स्थूल घनत्व है कण इसका मृदा का, वो होगा 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण मृदा का जो स्थूल घनत्व होगा 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे बालू मृदा का स्थूल घनत्व, बालू मृदा का स्थूल घनत्व क्ले मृदा की अपेक्षा अधिक होता है। बालू मृदा का स्थूल घनत्व
क्ले मृदा की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि बालू मृदा की सरंध्रता क्या होती है, कम होती है। सरंध्रता कितनी होती है बालू मृदा की, 40, और क्ले मृदा की कितनी होती है, 60, तो कम हुई ना। तो यहाँ देखना कैसे बात करते हैं अपन, यहाँ पे जैसे मृदा में जैसे बात करें कि बालू, यहाँ जैसे बालू, फिर जैसे सिल्ट हो गया और क्ले हो गया, ठीक है। अब यहाँ बल्क डेंसिटी की बात करेंगे तो बालू मृदा की बल्क डेंसिटी होती है वो 1.6 होती है, सिल्ट की 1.3 होती है और क्ले की 1.1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्टिकल डेंसिटी, तो बालू मृदा की 2.6 होती है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिल्ट की 2.7 होती है और क्ले की 2.8 होती है। और जो पोर स्पेस की बात करें तो बालू मृदा का पोर स्पेस क्ले की अपेक्षा कम होता है, तो कितना होता है, 40। दूसरा जैसे सिल्ट की बात करेंगे तो 50, और तीसरा जैसे क्ले की बात करेंगे तो 60। अब देखो दोस्तों, मृदा में जो सरंध्रता होती है वो एवरेज लगभग कितनी होती है, 50 से 60 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ देखो, बालू मृदा में जो बल्क डेंसिटी 1.6 है लेकिन पार्टिकल डेंसिटी 2, ये तो बल्क डेंसिटी जो है सैंड सिल्ट क्ले में घटते क्रम में है, और पार्टिकल डेंसिटी में जो है सैंड सिल्ट क्ले में बढ़ते क्रम में 2.6, 2.7 और 2.8, और पोर स्पेस भी क्या है, बढ़ते क्रम में 40, 50, 60 है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालू मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है वो कितना होता है, तो 1.6 होता है, लेकिन जो सामान्य मृदा का होता है वो 1.3 होता है या 1.33 होता है। जैसे बात करें यहाँ पे कि भाई जैसे पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, तो पार्टिकल डेंसिटी तो क्या है, 2.65, और बल्क डेंसिटी है वो 1.33। यहाँ बात करेंगे कि पार्टिकल डेंसिटी की अपेक्षा बल्क डेंसिटी उसकी आधी होती है। पार्टिकल डेंसिटी मतलब कण घनत्व स्थूल घनत्व की तुलना में, सॉरी, कण घनत्व स्थूल घनत्व की तुलना में दुगना होता है, और स्थूल घनत्व की तुलना में कण घनत्व क्या है, दुगना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब इसके बाद में जैसे दूसरी बात करते हैं कि मृदा सरंध्रता क्या होती है, जो यहाँ भी पोर स्पेस की बात की थी, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, तो अच्छे से देख लेना कि साधारण मृदा का जो स्थूल घनत्व है वो कितना होता है, 1.33, और सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना है, 2.65, ये भी याद रखना। और जो पोर स्पेस की बात करें तो ये भी एवरेज क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मृदा सरंध्रता की। अब दोस्तों मृदा सरंध्रता की बात करते हैं, तो मृदा सरंध्रता किसे कहते हैं, सोइल पोरोसिटी क्या है, तो मृदा के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत भाग जो रंध्रावकाशों द्वारा अधिकृत होता है, अर्थात गिरा हुआ रहता है। मृदा के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत भाग जो रंध्रावकाशों द्वारा अधिकृत होता है उसे मृदा सरंध्रता कहते हैं। मृदा सरंध्रता का फॉर्मूला भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो 100 - BD/PD, BD क्या है, बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, तो 100 - BD/PD इंटू 100 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो जनरल इक्वेशन आ जाता है कि बालू मृदा में बालू मृदा की सरंध्रता कम होती है, बालू मृदा की सरंध्रता कम होती है, मतलब कितनी होती है, 40 होती है, अतः इसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो बल्क डेंसिटी कितनी थी बालू मृदा की, 1.6, कितनी थी, 1.6, और क्ले की कितनी थी, 1.3। तो बालू मृदा की सरंध्रता कम होती है इसलिए इसकी बल्क डेंसिटी अधिक होती है। और बालू मृदा में जो रंध्रावकाश होते हैं, तो रंध्रावकाश जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंध्रावकाश अधिक होते हैं, बड़े होते हैं। बालू मृदा में जो रंध्रावकाश है वो बड़े होते हैं, और बड़े होंगे तो उसमें क्या होगा कि जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। पोर जो रंध्रावकाश होंगे वो बड़े होंगे आकार में, इस कारण उसकी जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है, किसकी अपेक्षा, क्ले की अपेक्षा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि जो क्ले मृदा है, क्ले मृदा में सरंध्रता क्या होती है, अधिक होती है। क्ले मृदा में सरंध्रता कितनी होती है, अधिक होती है, मतलब कितनी होगी, 60 होगी। तो उसकी बल्क डेंसिटी कितनी होगी, 1.3, कितनी होगी, 1.1 होगी। क्ले मृदा की जो बल्क डेंसिटी है वो कितनी होगी, 1.1 होगी, और सरंध्रता कितनी है, 60, तो कम हो गया ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्ले मृदा में रंध्रावकाश होंगे, जो रंध्रावकाश बालू मृदा की अपेक्षा क्या, कम होते हैं, आकार में कम होते हैं। क्ले मृदा के जो रंध्रावकाश होंगे वो कम होंगे, इसलिए उसकी जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो क्या होगी, अधिक होगी। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ना, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना। थैंक यू। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके।